हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बात कर रहे थे अपन कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के। उसके अंदर अपन ने कुछ एक क्वेश्चन कर लिए थे या फिर उसकी कंडीशन पढ़ ली थी। क्या लास्ट क्वेश्चन अपन ने क्या किया था कि सिद्ध करो, प्रूव दैट पोटेंशियल एनर्जी की ऋणात्मक प्रवणता कंजर्वेटिव फोर्स के तुल्य होती है। ये अपन ने कल बात की थी, आज अपन चलते हैं इससे आगे, ठीक है। उसको भी अपन एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, क्वेश्चन के अनुसार ही या फिर क्वेश्चन लिख के ही बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा किसके अंदर होगा, उसी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा कि सिद्ध करो कि संरक्षी बल का कर्ल सदैव शून्य होता है, ठीक है। प्रूव करना है अपने को कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो कर्ल होता है वो हमेशा जीरो होता है। आई रिपीट, कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, अपने को ये प्रूव करना है कि कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल जो लेते हैं अपन, वो हमेशा कितना आता है, ज़ीरो आता है। आप लोगों को मैंने क्लास में एक बात बोली होगी कि मेरे को डेल, डेल डॉट और डेल क्रॉस, इन तीनों का मतलब आप लोग बताओगे, ठीक है। तो देखो, अपन यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन है अपना, प्रूव करना है कि कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं इसका। कर्ल जो होता है, कर्ल वो हमेशा सदिश राशि का लिया जाता है। जो कर्ल लेते हैं अपन, वो हमेशा कौन सी राशि का लेते हैं, ओनली वेक्टर सदिश राशि का लेते हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन अपना होगा, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, देखना। सिद्ध करो कि संरक्षी बल का कर्ल सदैव शून्य होता है। ओके जी, क्या प्रूव करना है, कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल हमेशा जीरो होता है। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे अपन, वी नो दैट, क्या जानते हो आप, आंसर की बात करते देखो इसकी। एफ वेक्टर इक्वल हम जानते हैं कि ये होता है डेल यू होता है, ठीक है। हाँ भाई, हम जानते हैं ये, इसको इक्वेशन नंबर दे दो वन। क्या जानते हो आप, ये वाला कल अपन ने प्रूव किया था, ये वाला कि एफ वेक्टर इक्वल माइनस डेल वेक्टर यू होता है, ओके। वही अपन ने अभी तक लिखा है। कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं अपन, इसलिए अपन ने क्या लिखा यहाँ पे, एफ वेक्टर इक्वल माइनस डेल वेक्टर यू। और ये अपन प्रूव भी कर चुके हैं कल वाली क्लास में कि ये एफ वेक्टर इक्वल माइनस डेल वेक्टर यू आया कहाँ से, ठीक है। आ जाओ अब, चूंकि डेल इक्वल जानते हो आप क्या होता है भाई, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड की कैप, बिल्कुल यही होता है, यही होता है, ठीक है। अब क्या कर दो आप लोग, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। हाँ जी, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, थोड़ा सा नीचे लिख लो भाई इसको, क्यों घिचपिच कर रहे हैं सब कुछ। लो जी, थोड़ा सा अपन इसको नीचे लिख लेते हैं। हाँ जी, आपके अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और ये जो यू है इसको कहाँ कर लो, बाहर
निकाल लो। ठीक है, ओके जी। अब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन वन का कर्ल ले लेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन वन का कर्ल लेने पर, तो देखो, टेक कर्ल इक्वेशन वन, इस वाली इक्वेशन का क्या कर लेंगे अपन, कर्ल ले लेते हैं। तो देखो, कर्ल कैसे लेंगे, जेल क्रोश एफ वेक्टर इक्वल माइनस जेल वेक्टर यू। ठीक है, अब अगर मान लो, देखो एक सिंपल सी बात करते हैं अपन कर्ल के लिए कि कर्ल क्या होता है, इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे ईएमआई के अंदर। ठीक है, देखो, अब अगर मान लो आपने को कोई भी दे दे कि हाँ, पर एक ध्यान रखना कि कर्ल हमेशा किसका लिया जाता है, सदिश राशि का लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो अपने पास एफ है, अब इस एफ के ऊपर वैक्टर लगा दिए तो ये कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। इसीलिए अपन इसका कर्ल ले सकते हैं। तो कर्ल लेने का मतलब क्या होता है, मान लो अपने को बोल दिया कि हाँ भाई, ये ए वेक्टर है, कोई सदिश राशि है, अब इसका आप कर्ल लो। कर्ल का मतलब होता है, अगर बोल दे कि इसका कर्ल लो, तो आप क्या करोगे, इसको डेल क्रॉस कर दोगे इसका। बस वही अपना क्या होता है, कर्ल होता है। ठीक है, इसी तरीके से अपन ने क्या किया है, इक्वेशन वन का कर्ल लिया है। देखो जी, इक्वेशन वन के अंदर इसका ले लिया, अब इसका ले लेते हैं, तो डेल क्रोश माइनस डेल यू। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी, अब क्या करोगे, अब इसको अपन डायरेक्टली ही उसके अंदर लिख लेते हैं। देखो, मैट्रिक्स के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, आई कैप जी कैप की कैप, ओके जी। अब आई के अंदर डेल वेक्टर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये वाली है, तो पुट कर दो, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। अब एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है, आप लोगों को पता हो तो क्या है, ये वाली है। इस यू को अंदर ले आओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या अपन इसको ऐसे लिख दें, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल ए जेड। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? चलो जी, अब अपन क्या कर देते हैं इसका, देखो सोल्व करते हैं इसको अपन, क्या आएगा अपने पास। इक्वल, इसको छोड़ दो, इन दोनों को ले लो, तो आई कैप क्या आ जाएगा, जेल यू अपॉन डेल वाई डेल जेड क्या आ जाएगा, इसको छोड़ दो, इसको ले आओ। चलो, डेल यू अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड डेल वाई माइनस का जे कैप कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दो, इनको ले आओ। डेल यू डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल यू डेल जेड डेल एक्स प्लस का की कैप क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व करोगे तब, डेल यू डेल अक्ष डेल वाई माइनस डेल यू डेल वाई डेल अक्ष, यही आएगा। सॉल्व करोगे तो बिल्कुल यही आएगा। तो चलो, अब क्या कर लेते हैं अपन, देखो, हाँ जी, ये क्या किया रे, अच्छा ये क्या हो जाएगा, इस डेल को डेल से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, स्क्वायर में आएंगे, क्योंकि डेल डेल पहले से भी है इनका सबके पास। ये लो बस, ओके ठीक है। अब अपन क्या कर लेते हैं, अब आप लोग जानते हो कि डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल जेड, ठीक है, इसके इक्वल में अपन इसको भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो, चूँकि डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल जेड इक्वल, ठीक है, इस डेल स्क्वायर का, इस डेल स्क्वायर यू का एक बार वाई के सापेक्ष करोगे, एक बार जेड के सापेक्ष अवकलन होगा। तो क्या पहले इसे भी कर सकते हैं अपन, एक बार पहले इसका जेड के सापेक्ष कर दो, फिर इसका वाई के सापेक्ष कर दो, तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, वैल्यू दोनों के क्या आनी है, सेम आनी है। ये देखो भाई, यहाँ पे
वाई पहले है, जेड बाद में है, और यहाँ पे जेड पहले है, वाई बाद में। इन दोनों का कैसे भी आप लोग डिफरेंशिएशन कर लेना, वैल्यू क्या आएगी इन दोनों की, सेम आएगी। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल डेल स्क्वायर यू डेल जेड डेल वाई, ठीक है। जहाँ पे ये वाली इक्वेशन आई है उसके अंदर अपन ये पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन आई, इसके अंदर अपन ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे बाद में। क्लियर है यहाँ तक? ये बात फिर से सुनना, देखो ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल वाई, ठीक है। ये जो डिफरेंशिएशन है अपना, या तो पहले आप वाई का कर सकते हो या पहले आप जेड का कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या कर रखा है, पहले जेड का कर रखा है बाद में वाई का कर रखा है, तो इस वाले की जगह आप पहले जेड का भी कर सकते हो और बाद में वाई का भी कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आप वाई का ही करो, ठीक है। वैल्यू दोनों की सेम आएगी, चाहे वाई का पहले कर लो और चाहे जेड का बाद में कर लो, ओके। इसलिए इस वाले को मैंने इसके इक्वल में कर दिया, या फिर इसको छोड़ो, इस वाले को मैंने क्या कर दिया, पहले जेड का कर दिया और फिर वाई का डिफरेंशिएशन कर दिया, ओके। इसी तरीके से इस वाले में से उठा लो एक चीज़, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल जेड, चलो इसी को ले लो। अब क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अगर जेड यहाँ पे लिख देंगे, एक्स यहाँ पे लिख देंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर यू डेल जेड डेल एक्स, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ से एक टर्म को उठा लो, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स। क्लियर है? अब इन सब की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, देखते फिर क्या आता है। क्वेश्चन का है प्रूव करना है अपने को कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो कर्ल होता है वो कितना होता है, हमेशा 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 जीरो होता है, ठीक है। यही प्रूव करना है अपने को। तो अब ये वाली वैल्यू अपन यहाँ पे कर देते हैं पुट, देखो डेल क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल, ये कितना है आई कैप, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो डेल स्क्वायर यू डेल जेड डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर यू डेल जेड डेल वाई माइनस जी कैप की जगह वैल्यू पुट कर दो। क्या कर दोगे, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर यू डेल जेड डेल एक्स प्लस, इसको नीचे ले आओ भाई, प्लस के कैप, इस वाले की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दो। तो देखो डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स, बहुत इजी सा है। देखो अब क्या करोगे, यहाँ पे ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, डेल स्क्वायर यू डेल जेड डेल वाई, तो इसको काट दो और इसको काट दो, अपने पास बचा क्या, क्या बचा भाई अपने पास, अरे भाई क्या बचा अपने पास, जीरो ही तो बचा। तो क्या हो जाएगा, डेल वेक्टर एफ वेक्टर इक्वल जीरो, हैंस प्रूव, यही अपने को प्रूव करना था। ये लो जी, ओके। देखो इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए समझने में। चलो जी, क्लियर है भाई यहाँ तक, क्लियर है सबको, ओके। देखो मैंने, हमने क्या किया है, क्वेश्चन लिखा पहले कि प्रूव करो कंजर्वेटिव फोर्स का जो कर्ल लेते हैं अपन वो हमेशा ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आपने कल स्थिति ऊर्जा निकाली थी, क्या आई थी, एफ वेक्टर इक्वल माइनस डेल वेक्टर यू आई थी, जो अपन ने कल पिछली क्लास में एकदम से मतलब सोल्व की थी उसको, ठीक है। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, डेल वेक्टर की वैल्यू आप लोग जानते हो, जो अपन ने यहाँ पे लिख दी। अब वो वाली इक्वेशन, डेल वेक्टर की वैल्यू अपन ने इक्वेशन वन में पुट कर दी
इक्वेशन वन में पुट करने के बाद अपन ने क्या किया, इक्वेशन वन का कर्ल ले लिया। ठीक है, इक्वेशन वन का कर्ल लेने का मतलब होता है कोई भी एक, सबसे पहले ये बात याद रखना कि कर्ल हमेशा वेक्टर राशि का लिया जाता है। कौन सी? सदिश राशि का लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ वेक्टर जो अपने पास है वो क्या है, एक सदिश राशि है, तो इसलिए अपन इसका कर्ल ले सकते हैं। तो इक्वेशन वन का कर्ल लिया, कर्ल का मतलब डेल मल्टीप्लाई कर दिया, डेल वेक्टर क्रॉस, यही होता है अपना कर्ल। तो डेल वेक्टर क्रॉस को इक्वेशन वन से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद अपन ने इसको सोल्व कर लिया, जो अपने पास क्या आया है, ये वाली इक्वेशन आई है। ठीक है, तो कहने का मतलब लास्ट में रिजल्ट क्या निकल के आया अपने पास, डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल जीरो। ओके जी, समझ में आया सबको? ठीक है, अब अपन देखो इसके लिए तीन क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं अपन, दो लेते हैं, है ना। चलो, वो क्वेश्चन आपके काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, बात करते हैं अपन अपने क्वेश्चंस की। आ जाओ जी, क्वेश्चन अपने क्या है उनको बोर्ड पे लिखते हैं और अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बलों के संरक्षी व असंरक्षी होने की पहचान करो। फोर्स जो होता है अपना कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, तो क्वेश्चन क्या है, फोर्सेस की पहचान करनी है अपने को कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर है? चलो अपन इसके लिए दो क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है अपने पास, फर्स्ट एफ वेक्टर इक्वल एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। क्लियर है? ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन अपने पास हो जाएगा एफ वेक्टर इक्वल एक्स वाई स्क्वायर जे कैप प्लस, अच्छा जी यहाँ पे वाई और बीच में क्या है, एक्स वाई आई कैप वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड वाई के कैप। अब ये क्वेश्चन आपको दे दिया। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस के अंदर आपको पहचानना है कि कौन सा तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा और कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या आती है, जीरो आती है। ठीक है, तो अपन प्रूव करके देखते हैं इनको कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है। ले लो पहले क्वेश्चन को अपन लेते हैं, जो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है उनका कर्ल हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। आई रिपीट, ध्यान से सुनना, जो फोर्स कंजर्वेटिव होता है उसका कर्ल हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। क्लियर है? तो देखो, आंसर की शुरुआत करते हैं अपन यहीं से, जो फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं उनका कर्ल हमेशा जीरो होता है। ओके, जो फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं उनका कर्ल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो पीछे जो मैट्रिक्स लिया था अपन ने कर्ल का, सॉरी उसका फोर्स का, तो उस कंजर्वेटिव फोर्स का, तो उसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं अपन। देखो क्या हो जाएगा अपना, डेल क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल आई कैप जी कैप की कैप।
ठीक है। अब ये वैल्यू तो आप लोग जानते हो कि डेल अपॉन डेल एक्स होता है, डेल अपॉन डेल वाई होती है, डेल अपॉन डेल जेड होता है इसकी, ठीक है। अब एफ की वैल्यू क्वेश्चन एक के अंदर देखो, क्वेश्चन वन ही तो सोल्व कर रहे हैं अपन, तो एफ की वैल्यू क्वेश्चन वन के अंदर देखो क्या दे रखा है, आई कैप की अक्ष, जे कैप की वाई, जेड कैप की सॉरी के कैप की जेड, क्लियर है, ठीक है। अब क्या कर दोगे इसको, वैसे ही सोल्व कर लो, पहचानना है अपने को तो कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आ जाओ, आई डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल वाई अपॉन डेल जेड माइनस जी कैप, इसको सोल्व करो, अब छोड़ दो इसको, तो क्या करोगे, डेल जेड अपॉन डेल अक्ष माइनस डेल अक्ष अपॉन डेल जेड प्लस के कैप, ठीक है जी। के कैप की वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ पे, डेल वाई अपॉन डेल अक्ष माइनस डेल अक्ष अपॉन डेल वाई, यही है, ठीक है। अब एक लाइन सुनना, यहाँ अक्ष वाई जेड जो है, यहाँ ये अक्ष वाई जेड जो है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, ओके यहाँ ये अक्ष वाई जेड कोऑर्डिनेट अक्ष वाई जेड जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। अगर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपने देखो, तो अगर डेल अक्ष का डेल वाई के सापेक्ष अवकलन किया, ठीक है, या फिर डेल वाई का डेल अक्ष के सापेक्ष अवकलन किया तो कितना होगा, जीरो, कितना होगा, जीरो, क्यों, क्योंकि ये अक्ष वाई जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, अगर डिपेंड नहीं करते तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्लियर है। ऐसे ही डेल अक्ष का डेल जेड के सापेक्ष कर दो या फिर डेल जेड का डेल अक्ष के सापेक्ष कर दो तो फिर इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो, क्यों, क्योंकि अक्ष वाई जेड तीनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। ऐसे ही आप ले लो वाई और जेड का, डेल वाई का डेल जेड के सापेक्ष कर दो या डेल जेड का डेल वाई के सापेक्ष कर दो, इसका भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो देखो मान रख दो, पुट दिस वैल्यू, आ जाओ जी इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, डेल वाई डेल जेड डेल वाई क्या आ जाएगा, जीरो, क्यों, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई कैप जीरो माइनस जीरो माइनस जी कैप जीरो माइनस जीरो और प्लस के कैप जीरो माइनस जीरो। तो डेल क्रॉस डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल क्या आ गया, जीरो। तो देखो डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल जीरो, तो क्या कह सकते हो आप इसके लिए, पूछा क्या जा रहा है कि प्रूव करो कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पहचान करनी है अपने को कि ये कौन सा फोर्स है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि फोर्सेस की पहचान करो, क्वेश्चन अपने को ऊपर दे रखा था कि एफ वेक्टर एक बार तो ये आएगा, एफ वेक्टर इक्वल एक बार ये आएगा, क्वेश्चन अपन फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन को अपन ने इस प्रकार सोल्व किया। अब लास्ट में रिजल्ट क्या आया अपना, डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल जीरो। अब आप लोगों को पता है कि कौन सा फोर्स लेते हैं, कौन से फोर्स का वेक्टर नहीं सॉरी कौन से फोर्स का कर्ल जीरो होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल जीरो होता है। तो यहाँ पे क्या क्या पहचान करोगे आप, क्या लिखोगे, कौन सा फोर्स है ये, यह है एक कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स जिसका कर्ल हमेशा क्या होता है, जीरो। ये फोर्स है और ये इसका कर्ल है, इक्वल में क्या आ गया, जीरो, तो कौन सा फोर्स हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स, क्लियर है। चलो अब अपन ऐसे ही सोल्व करते हैं इस सेकंड वाले को, देखो इसको तो यहाँ तक रहने दो, यूँ का यूँ ही, क्योंकि इसी तरीके से सोल्व करेंगे अपन इसको भी, किसको, दूसरे वाले को, ठीक है। चलो अब क्या किया देखो,
सेकेंड वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो वैल्यू क्या है इसकी, एफ फैक्टर इक्वल एक्स वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड वाई की कैप। ठीक है, अब देखो डेल की वैल्यू आप लोग जानते हो कि यही होती है, पर एफ की वैल्यू इस बार चेंज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई, यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है जेड वाई। ओके, ये भाई यहाँ पे है जेड वाई, ये लो। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में ना कि इसके बेस में है। ओके चल, अब क्या कर दोगे, सोल्व करते हैं इसको आई कैप को। तो क्या लिख दोगे, डेल जेड तो पहले से है, बस एक वाई और ले आओ, ये लो। अब वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस ओनली इसी को मल्टीप्लाई करके लिख लें, कुछ सोल्व कर लेना, अगर नहीं आया तो पूछ लेना। बात करते हैं जे कैप की, तो डेल जेड वाई, ये लो, ये क्या है एक्स वाई, ये लो, प्लस के कैप, के कैप की वैल्यू छोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा डेल का वाई का स्क्वायर। अच्छा इसको छोड़ दो, हाँ, और डेल एक्स वाई यही आया, इसको सोल्व करोगे तब बिल्कुल यही आएगा। तो देखो अब क्या कर देंगे, वही कंडीशन इसके अंदर यूज करेंगे, कौन कौन सा वही अपन देखते हैं कि एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन सा डिपेंड करता है और कौन कौन सा डिपेंड नहीं करता है। तो चलो डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल, ये है आई कैप। अब देखो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, क्या बोला था देखो जी आपको, ये डेल जो है जेड और वाई दोनों का डिफरेंशिएशन कर रहा है। ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन कर रहा है, जेड और वाई का डिफरेंशिएशन कर रहा है, और अब नीचे क्या है डेल वाई है, तो जेड को आप लोग क्या कर लोगे बाहर निकाल लोगे। अरे भाई जेड को क्या कर लोगे बाहर निकाल लोगे, तो डेल वाई अपॉन डेल वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, वन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अपन क्या लिख दोगे आप लोग यहाँ पे, जेड बिल्कुल लिखोगे, जेड आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से सुनो। देखो ये अपने पास है कोई जेड वाई और अपॉन में है डेल वाई। ठीक है, ये जो डेल है इस जेड वाई का डिफरेंशिएशन करेगा, करेगा, तो इस जेड को, इस जेड को तो बाहर निकाल लो। अब ये क्या बच गया, डेल वाई अपॉन डेल वाई, डेल वाई अपॉन डेल वाई का डिफरेंशिएशन कितना, डेरिवेटिव कितना होता है, वन होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बच गया अपना जेड बचा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब और देखो यहाँ पे क्या है, डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल जेड। अब आप लोगों को पता है कि एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, तो ऊपर क्या आ गया वाई और नीचे क्या आ गया जेड, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तो ये कितना हो जाएगा जीरो माइनस। इसके अंदर देखो, हाँ जी, अब बात करते हैं अपन यहाँ पे इस जेड वाई की। तो देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तो कितना लिख दोगे जीरो, और अब यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, तो जीरो प्लस की कैप। अब आ जाओ ये क्या है, डेल वाई स्क्वायर, इसका भी जीरो। अब वो सेम वाली कंडीशन यहाँ पे देखो, ये कितना है डेल एक्स वाई अपॉन डेल वाई, तो यहाँ से एक्स को बाहर निकाल लो, क्या बच गया डेल वाई इसका क्या हो जाएगा वन, तो ये कितना हो जाएगा एक्स, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखो पहचान करेंगे इसके अंदर कि ये फोर्स कौन सा आएगा, कंजर्वेटिव आएगा कि नॉन कंजर्वेटिव आएगा। नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव की आपको कंडीशन पता है कि उसका कर्ल कितना आना चाहिए जीरो, अगर जीरो नहीं आया तो आप समझ जाना कि वो क्या कौन सा फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव है। तो देखो डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल क्या आ जाएगा, देखो इसको लिख सकते हैं जेड आई कैप, ठीक है, ये कितना हो जाएगा प्लस एक्स की कैप, होगा कि नहीं होगा, होगा भाई मैम, अरे ये माइनस का है, सॉरी किसका है माइनस का। अब बताओ ये कौन सा फोर्स होगा, फोर्स का कर्ल नहीं आया भाई, कर्ल, फोर्स का कर्ल
कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल जीरो नहीं आया है। अगर जीरो नहीं आया है और वैल्यू आ गई तो इस वाले के अंदर कौन सा फोर्स होगा? दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये लो जी, ओके ठीक है जी। इस यूनिट को अपन कल एकदम फाइनली कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट बात करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।